हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह, स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। तो गाइस, नए व्लॉग की नई शुरुआत करें एक नए दिन के साथ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने ननिहाल तक नहीं जा रहे हैं, बस ननिहाल देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मोटोवर में आ रखे हैं आज, आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, हमसे मिलने के लिए मामी मिलने के लिए आने वाली है। तो यहाँ पे नीचे पे मंदिर भी है, हम मंदिर में दर्शन के लिए भी जाएंगे। तो दिखाएंगे आपको यहाँ का सीन और अपना ननिहाल ऊपर से ही, क्योंकि ननिहाल तक तो जा नहीं पाएंगे आज, फिर कभी आपको ननिहाल के दर्शन कराए जाएंगे। आज हमारे मोटू जा रहे हैं अपने ममकोट। तो कैसा लग रहा है गाइस आपको? बेहतरीन लग रहा है। बैग उठा के बिल्कुल स्कूटी में, शादी के बाद तो बैग क्या सब कुछ उठाना पड़ेगा, है कि नहीं? बैग ही। रोड तो भाई माशाल्लाह खतरनाक, ऐसी रोड में तो मैं कभी ना चला पाऊँ स्कूटी। डर लग रहा है, क्या बताऊँ। कहाँ जाना है? चलो नीचे जाना है, अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ से स्कूटी यहाँ पे रोड में खड़ी कर दी है और हम लोग जा रहे हैं अपने मंदिर की तरफ। नीचे पर मंदिर है, सुंदर मंदिर है यार। तो गाइज, हम लोग दर्शन के लिए आ गए हैं मंदिर पे, और यहाँ पे मोटू दिया बाती अगरबत्ती जला रहे हैं। तो यहाँ पर बाण का मंदिर है दोस्तों, और यहाँ पे भी हम दिया बाती करके ऊपर को जाएंगे। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मंदिर लग रहा है। ये तुम्हारी पट्टी है? कितनी बकरियां पाली हैं? 23। ग्वाला जाता है नहीं फिर? नहीं जाता। कौन गया ग्वाला? आई स्कूल क्यों नहीं गया फिर? कपड़े गंदे थे, बहाने बना रहा है, होमवर्क नहीं किया होगा। हाँ, बहुत सारे काफल पके हैं, गिरना मत, आराम से खाओ। इतने ज्यादा पके हैं। ताकते रहन पे इधर ई सीजन वाले कार उड़न काफर है यार, कम से कम ताकते रहन। क्या दे, मामी जी भी अब घर जाएंगे यहाँ से, और हम भी यहाँ से घर जाएंगे। बताओ मामी जी, कुछ बोलना चाहोगे? बाय बोलू, बाय बाय बाबू, बाय। ठीक से मामी बैठो। हाँ, पहला बाय। तो गाइस, यहाँ पे है मम्मी का मायका, हमारा ननिहाल, लेकिन यहाँ चीड़ के पेड़ है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे है मंदिर, सुनकर के आनंद ही आ गया है। तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर, और फिर मिलेंगे आपको घर जाने के बाद। तो स्कूटी रोक ली है यहाँ पे घर के नीचे, और इतनी सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ आज मार्केट से, लेकिन इतनी भुलक्कड़ हूँ कि जो फ्रूट्स खरीदे थे वहीं रह गए हैं। तो अब पापा जी को फ़ोन किया जाएगा और वो मंगाएंगे मार्केट से, कि बोले बाल ही ख़राब हो जाते हैं, इतनी तेज वाली धूप लग रही है अभी। और खाना तो बन ही गया होगा, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि एक बज चुका है, हम सुबह 9 बजे निकल गए थे, अभी पहुंच रहे हैं घर। ओ माय गॉड, थकान लग गई है। के खाने में क्या बन रखा है फिर? दाल भात? चटनी नहीं बनाई आपने? अरे तो बना तो रखा था, खाते दे। आज बहुत भयंकर वाली भूख लगी है। तो गाइस, अभी बज चुके हैं शाम के 5:30, और मैं उठ गई हूँ। वैसे मुझे नींद तो नहीं आई आज, और कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई है। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और अब उठ चुकी हूँ। मम्मी चले गई हैं खेत, पापा चले गए हैं दुकान चाय पीने के बाद। तो अभी मैं आई हूँ छत पे। पता नहीं अजीब सा क्यों हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही है और चैन भी नहीं आ रहा है। तो अब करते हैं कुछ काम, देखते हैं नीचे कोई काम पड़ा होगा तो, वरना मम्मी के साथ खेत जाती हूँ एक राउंड। फ़ोन में बात करती हूँ, कौन से वाले खेत गई है पता भी नहीं चलता, क्योंकि यहाँ तो खेत ना बहुत दूर दूर है। इस साइड को है घर के, यहाँ तो रुपाई लगती है, और घर के नीचे साइड को भी है, यहाँ भी रुपाई लगती है। तो थोड़ा सा मड़वा और रह गया है, थोड़ा सा तो क्या है, बहुत है अभी, 8-10 खेत तो होंगे ही, उसको गोड़ने में बहुत टाइम लगता है। एक बारे में 2-3 खेत ही गोड़ पाते हैं। तो दिन में धूप भी बहुत होती है, इसीलिए अभी थोड़ा छाया आई है आज, तो बादल लगे हैं, ठीक हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, नीचे जाके पहले पता करते हैं मम्मी है कहाँ, खेत है या कहीं और है। तो फ़ोन करके फिर जाती हूँ खेत। तो इस खेत जाने से तो मम्मी ने मना कर दिया है, तो अब मैं करती हूँ थोड़ी सी पौधों की सिंचाई। यहाँ पे मिर्ची के पौधे हैं थोड़े बहुत, और बैंगन के हैं, और शिमला मिर्ची के हैं, और थोड़ी सी भिंडी हुई है, तो उनकी थोड़ा सा सिंचाई कर लेते हैं। अब खेत तो जाना नहीं है, थोड़ा बहुत घर का ही काम कर लेती हूँ।
तो गाइस हमारा ना सिर्फ एक पौधा लगा बीन्स का, उस पर इतने सारे बीन्स लगे हुए हैं, सिर्फ एक ही पौधा लगा है, बाकी एक भी पौधा इस साइड को नहीं लगे हैं। थोड़े थोड़े से टमाटर लगने लग गए अब हमारे, और ये हमारे हैं मिर्ची के पौधे, और यहाँ पे ठकर लगा दिए हैं, यहाँ पे करेले का बेल होने वाला है, और यहाँ पे कद्दू का। जो ये वाला खेत है, इस खेत में पिछली बार से हम लोग जानवर पाते थे, लेकिन इस बार इसमें मिर्ची के पौधे लगा दिए हैं। इस वाले पूरे खेत में मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं, और उस साइड को टमाटर लगे हैं, यहाँ पे करेले की बेल भी लगाई है, और उसके लिए यहाँ पे ठाकर बैठे हुए हैं। ये इसमें जाके ऊपर वैसे लंबे लंबे करके ऊपर तक जाएगी बेल, फिर इसमें करेले लगेंगे। पिछली बार भी बहुत सारे लगे थे, और क्या बोल रखा है अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर को जो है ये अश्वगंधा का पौधा है, ये बहुत बड़ा होता है, तो इसको काट दिया था, लेकिन अब दोबारा हो गया ये। और यहाँ पे पिछले साल की मिर्ची के पौधे हैं, ये इसमें भी मिर्ची लगने लग गई हैं। यहाँ पर कोई एक पौधा बीन्स का भी लग रखा है, इसने सारे बोए थे लेकिन सिर्फ एक लगा है। तीन चार और होते तो मज़ा ही आ जाता है यार, आपकी सब्ज़ी बन जाती है। बीन्स की सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, मुझे अच्छी भी लगती है। एक ही कैसे जम गया बतानी, और भी बहुत सारे बोए थे बुबू ने, पर और जमे नहीं। यहाँ पर इतने छोटे से पौधे में शिमला मिर्ची भी लग गई है ये, और यहाँ पर छोटे छोटे फूल लग रखे हैं। यहाँ पर टमाटर लगे हैं, और ये थोड़ा बड़े हो गए हैं, इन पे तो नहीं डालूंगी मैं पानी, क्योंकि इसके नीचे क्यारी भी नहीं बनी हुई है। अगर क्यारी बनी होती तो डाल दी, इसमें पानी रुकेगा भी नहीं। पानी भी इतना धोखेबाज है ना, कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है। इस पाइप से तो बहुत देर लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाल्टी से डालना चाहिए, क्योंकि बाल्टी से डाल के जल्दी होगा। वहाँ पर दो ड्रम भरे हुए हैं, उनसे ही डालती हूँ। ये देखो गाइस, कभी पानी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। अभी बंद हो गया, अभी थोड़ा सा आने लग गया, अभी थोड़ा तेज आएगा। और यहाँ पर जो है टूटा बाल्टी, इसको बोलते हैं, जिसमें छेद होता है, उसमें भी मिर्ची के पौधे लग रखे हैं ये। और ये कंटर है जो, इसमें भी पौधे लगे हैं। यहाँ पे डिक्सी तक खाली नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो डेग में छेद हो गया होगा, उसमें स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, और इसमें पाती वाली ये भी फूल है, बहुत प्यारा, बाद में लगेगा, तब दिखाऊंगी। इसमें भी स्ट्रॉबेरी लग रही है, और एक स्ट्रॉबेरी यहाँ पर लगी है ये, पर पकी नहीं है। तो जितने जार, टूटी हुई बाल्टियाँ, छोटे छोटे कंटर, जितने भी आपको दिख रहे हैं, सब यूज हो रखे हैं, सब में कुछ ना कुछ लगा रखा है। गांव में जो छेद हुए बर्तन होते हैं ना, वो भी काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे जितनी डेग डिक्सी में छेद हो रखा होगा, बाल्टियों में छेद हो रखा होगा, कंटरों में, जारों में छेद हो रखा होगा, सब यूज कर रखे हैं। किसी में पौधे लगा रखे हैं, किसी में क्या लगा रखा है ये, इसका नाम भूल गई मैं, इसका नाम है एलोवेरा, और ये कभी बड़ा नहीं होता, इतना ही रहता है ये। और यहाँ पर जो बड़े बड़े पौधे दिख रहे हैं, ये हैं सूर्यमुखी के फूल, लेकिन इसमें अभी फूल नहीं लगे हैं, इसमें लगने वाला है एक फूल। यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो थोड़ा कम उपजाव है, इसमें जो भी बोगे थोड़ा लेट उगता है, क्योंकि सब सोख लेता है, ये बजरी टाइप की मिट्टी है इधर सब यहाँ पे। तो मैं जितने भी फूल वूल लगाती हूँ, दो चार साल में वो सूख जाते हैं, या कोई भी यहाँ पौधे जो भी हैं, दो चार साल में वो सूख ही जाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी है वो अलग सी है। इस मिट्टी में तो बजरी मिलेगी या पत्थर मिलेंगे, पत्थर और बजरी के अलावा इस मिट्टी में कुछ नहीं होता है। तो बहुत लेट लेट यहाँ पौधे होते हैं, इसी वजह से। दल टाइप की मिट्टी यहाँ होती है, जिसको दल बोलते हैं, जिसमें बजरी और पत्थर मिक्स होते हैं, उस टाइप की मिट्टी है यहाँ। तो बाल्टी से डालने में फ़ायदा हुआ मुझे, और जल्दी भी हो गई है, पाइप में तो पानी ही नहीं आ रहा है। तो एक ड्रम खाली हो चुका है, सारा डाल दिया मैंने इन पौधों में आज। तो सिंचाई करने लायक पानी तो आ नहीं रहा है, और इसमें हमने भिंडी वो रखी थी परसों बुबू ने, तो थोड़े थोड़े से भिंडी के पौधे दिख रहे हैं, तो पाइप छोड़ दिया मैंने, अपने आप भरता है जब तक पानी आता है। पानी भी थोड़ा सा आ रहा है, इसलिए सिंचाई नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पे मक्के के पौधे हैं, थोड़ी देर बाद पाइप इधर उधर करना पड़ेगा। पौधों में पानी डालने का काम तो हुआ ख़त्म, अब जल्दी से सब्जी काट लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर स्कूटी जाने जाऊँगी, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद थकान लग जाती है, फिर काम नहीं होता है। तो सब्जी वब्जी काट के, आटा गूंथ के फिर जाती हूँ स्कूटी चलाने के लिए। तो देखते हैं आज किसकी सब्ज़ी काटनी है। आज ही ला रखी हूँ बाज़ार से ताज़ी ताज़ी, बीन्स ही बनाऊँगी और भिंडी बनाऊँगी मिक्स। तो यहाँ पर बीन्स, शिमला मिर्च और भिंडी, तीन चीज़ों की सब्ज़ी काट रखी है मैंने। भिंडी में पहली बार बीन्स मिला रही हूँ, अब पता नहीं कैसी बनती है, हर बार हर चीज़ में पहली बार ही करती हूँ। तो इस खाना खा के मैं आ गई हूँ रूम पे अब सोने के लिए, और बहुत नींद आ रही है और थकान भी लग चुकी है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। कमेंट नहीं करते आप लोग। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।